दिया जाता है। पिछली बार हुरियत कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से प्रोग्राम किया तो अभी हम पहुंचे, अभी हम घरों से निकले ही थे, दफ्तर भी सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आए दिन आप देखें कि हमें बंद किया जाता है, गिलानी साहब बंद है सालों से, यासीन को हर दूसरे दिन बंद किया जाता है, हमें नजर बंद कर दिया जाए, वर्करों को गिरफ्तार किया जाता है, कोई एक्टिविटी करने नहीं दी जाती है। यहां तक कि आप देखें कि जो है वो इस साल 160 दिन मुझे घर में बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, जामे मस्जिद को 16 मरतबा जो है वो उन्होंने बंद कर दिया, नमाज की इजाजत नहीं है। तो इस सारे मामले से लोगों में जो जवानों में जो एंगर है वो बढ़ रहा है और इसकी जिम्मेदार तो ये लोग हैं। ये बाकियों पे इल्जाम नहीं डालते, ये नए पाकिस्तान पे इल्जाम लगा सकते हैं और ना ही ये कश्मीरी क्यादत पे इल्जाम लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार पाकिस्तान ने भी पहल करने की कोशिश की, हमने भी कहा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये सब चीजें जो है हमें महसूस करते हैं कि भारत के अवाम को और भारत के लोगों को ये देखना चाहिए और उनको ये महसूस करना चाहिए कि उनको जो गवर्नमेंट कह रही है कश्मीर के हवाले से कुछ मखसूस चलने